वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बॉल, वो भी 2 इंच। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में जो छोटी छोटी ट्रिक्स है मैं वो आपको बताती रहूँगी, उन्हें फॉलो करके अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 आलू, कटे हुए टमाटर, कटे हुआ 1 बड़ा प्याज और 1 हरी मिर्च। यहाँ हम पटेटो को मैश कर लेंगे, मैशर से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। इसको मैश करने के बाद में इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, और ये 1 छोटा टमाटर डालेंगे, कटी हुई मेथी 1 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड की साइड से हम इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे चीज़, चीज़ के हम 4 पीसेस कर देंगे। आलू का मसाला लेंगे, उसके अंदर इस चीज़ को एक एक करके एक एक पीसेस इसके अंदर रखते जाएंगे और गोल गोल राउंड करके बॉल्स बनाते जाएंगे हम इसकी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको गोल शेप दे दी है अच्छे से, और अच्छे से गोल शेप दे करके हमने ये चीज़ बॉल बना दी है। इसी तरह से हम और भी चीज़ बॉल बना देंगे और इसे 1 बाय 1 करके पूरी बॉल्स को कंप्लीट कर। अब हम लेंगे ब्रेड और ब्रेड को हम ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हम ब्रेड को ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे, और जो हमने मैदा का पेस्ट बनाया था उसमें सभी बॉल्स को अच्छे से डिप करके, और जो ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं उसके अंदर हम इसको अच्छे से कोट करेंगे इसका ब्रेड को। और ब्रेड को कोट करने के बाद में हम सारी बॉल्स को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम 2 तरीके से बॉल्स बनाने वाले हैं चीज़ बॉल, तो हम सिर्फ तरह से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ब्रेड लेंगे और उस ब्रेड को अच्छे से बेलन से फ्लैट कर लेंगे, अच्छे से बेल लेंगे, और बेलने के बाद में हम उसको इतना पतला बेलेंगे ताकि अच्छे से उसके अंदर ये बॉल रख करके उसको पैक कर सके। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ ट्रिक्स है, वही ट्रिक्स मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको। अब हम इस बॉल को इस ब्रेड के अंदर रखेंगे और इसको अच्छे से पैक करके इसको चारों तरफ से दबा लेंगे, और दबाने के बाद में जब ये ऊपर से उठी हुई रहेगी तो हम जो मैदा का पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर डाल करके अच्छे से इसको पैक कर देंगे। यही एक ट्रिक है जिससे हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से गोल राउंड में, गोल शेप में ये बॉल हमारी तैयार हो गई है। ये है चीज़ ब्रेड बॉल। इसी तरह से बाकी की बची हुई जो बॉल्स है उसको भी हम ब्रेड के अंदर इस तरह से रख करके और सभी की बॉल्स बना लेंगे, ब्रेड चीज़ बॉल बना लेंगे। तो हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर तेल गरम करने पे रख दिया था जिसमें हमने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं होता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है धीरे धीरे, और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अभी हमने सभी बॉल्स को फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरी जो ब्रेड चीज़ बॉल है उसको फ्राई करेंगे, जिसको हमने ब्रेड के अंदर रोल किया था।
इसे भी हम जब तक ये कलर चेंज नहीं हो जाता, ब्राउन कलर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसका देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड चीज़ बॉल और चीज़ बॉल रेडी है। अब हम इसको दही के साथ या हम ग्रीन चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बॉल खोल के दिखा रही हूँ अंदर से। चीज़ देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है।